हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम आप लोगों को जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आपको आना काफ़ी नेसेसरी है। ठीक है, देखते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या। देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको DU से भी बोला जाता है, इसको DU बोला जाता है। DU शॉर्ट नेम इसका DU है। इफ़ इसका फार्मूला क्या है, एक किस तरीके से हम इसको जो है फाइंड करते हैं, देखते हैं जरा। इफ़ ए कंपाउंड इज N1N2, मतलब कोई भी कंपाउंड है जब वो N1 और N2 फॉर्म में हो, तो उसका DU हम कैसे निकालते हैं। देखिए, DU का फार्मूला जो होता है, DU इज इक्वल टू 2N1 - N2 + 2/2। DU का फार्मूला जो है, फार्मूला 2N1 - N2 + 2/2। ये क्या है, DU का फार्मूला है, वेयर N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। कोई भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स में जो कार्बन होगा, N1 जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है, और N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये अभी हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यदि DU जीरो हो, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, अगर किसी भी कंपाउंड्स को आप लेते हो और उसका DU जीरो आता है, तो उसमें, उस कंपाउंड में सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स के सिंगल बॉन्डेड एटम होंगे। ठीक है, अगर DU वन आता है, कंपाउंड का जब हम DU निकालते हैं और वो वन आता है, तो वहाँ पे वन डबल बॉन्ड होगा, एक जो है वहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, और या तो फिर वो साइक्लिक होगा, या तो एक डबल बॉन्ड बना करके जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो एक डबल बॉन्ड होगा, या तो फिर वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अगर DU दो हो जाए, DU दो आए, तो क्या होगा, वन डबल बॉन्ड, जब इफ DU टू, तो उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है, उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर वन डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक होता है, हो सकता है एक डबल बॉन्ड के साथ उसमें साइक्लिक फॉर्म भी कर दे, या तो फिर टू साइक्लिक हो, दो साइक्लिक का फॉर्मेशन करे। ठीक है, ये इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कुल एक डबल बॉन्ड बना करके स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, दो डबल बॉन्ड बन सकते हैं, वन डबल बॉन्ड प्लस वन साइक्लिक, और फिर उसके बाद टू साइक्लिक। ये जो है DU का फार्मूला हुआ, या DU को आप किस तरीके से समझेंगे, ये हुआ। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं बेटा, DU क्या है। एक एग्जाम्पल हमने लिया, ये देखिए C5H12 हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब इसका DU निकालते हैं, DU क्या होगा, DU का फार्मूला क्या होता है, DU इज इक्वल टू 2N1 - N2 + 2/2। ये तो होता है DU का फार्मूला, ये फार्मूला अभी हमने ऊपर देखा। DU का फार्मूला क्या होता है, 2N1 - N2 + 2/2। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे N1 क्या है, N1 इज इक्वल टू C, कार्बन के जितने हैं, यहाँ पे कार्बन के पास कितने 5 हैं, नंबर ऑफ कार्बन, अब ये भी हमने देखा, N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, और N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे DU, जब हम C5H12 का DU निकालते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्म कितना आता है बेटा, देखिए 2N1 कितना है, यहाँ पे देखिए N1 कितना है, N2 कितना है 5 है, और -N2 कितना है 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन N2 12, और +2/2, इसका देखिए कितना हो जाएगा 10। इसका जब सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करिएगा जब आप, तो इसका क्या आ जाएगा 0। जब DU 0 आ गया, देखिए 5 × 2 = 10, और 10, और यहाँ पे भी 10, 10 - 10 = 0। ठीक है बेटा, DU कितना आ गया 0। अब DU 0 आ गया, इसका क्या मतलब,
इसमें इस कंपाउंड ये जो C5H12 है इसमें आल क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। इस C5H12 के एटम जो होंगे वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड एटम होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। मतलब अब इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएं, C5H12 का स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, देखिए पहले 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या हो गए 5 कार्बन हो गए। अब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, सभी के सभी क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, हमें कहीं पर डबल बॉन्ड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डी यू निकला हुआ है और डी यू हमारा कितना आया हुआ है 0, और जब डी यू 0 आता है तो सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका, C5H12 का स्ट्रक्चर हो गया, सभी सिंगल बॉन्डेड एटम है, ठीक है। अब इसको जरा देखें हम दूसरी तरह से, इसका आइसोमेरिज्म और क्या बन सकता है, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ पे ये देखिए इसका आइसोमर हो गया ये, ठीक है, या फिर इसका और दूसरा क्या हो सकता है, एक यहाँ पे रखो, सॉरी सी 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 और सी, ठीक है, ये देखिए ये भी 3 to 5, ये भी आइसोमर हो गया, ये भी आइसोमर और ये भी आइसोमर, लेकिन सबके सब स्ट्रक्चर किसके हैं, C5H12 के। इसका मतलब अगर आपसे C5H12 के आइसोमर्स पूछे जाए कितने आइसोमर्स हैं, तो इसके 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, 3 आइसोमर्स, क्योंकि डी यू इसका है 0 है, डबल बॉन्ड है नहीं, साइक्लिक बनाएगा नहीं, तो C5H12 के कितने आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स। ये जब हम आप जो है इसके आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे तो आइसोमेरिज्म से आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म में आपको ये एग्जांपल मिलेगा, आइसोमर्स निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। आप देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे C4H8 का जरा डी यू निकालिए, डी यू क्या हो जाएगा, डी यू फार्मूला आप हम जानते हैं क्या होगा, 2N1 कितना है, N1 4, और या इसके बाद 2N1 माइनस N2 कितना है, 8 plus 2 by 2, ये तो होता है हमारा डी यू। अब इसका डी यू कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 minus 8 plus 2 by 2, मतलब इसका डी यू कितना हो गया, 1 हो गया, डी यू 1 आ गया। अब डी यू 1 आ गया तो इसका क्या मतलब, इससे आप क्या समझे, इसका यूज क्या हो गया, डी यू 1 हो गया तो 1 डबल बॉन्ड होगा, या तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो सकता है या तो फिर ये साइक्लिक होंगे, एक डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक। देखिए अब जब हमारे ये C4H8 है इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, C4 अब इस स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक डबल बॉन्ड किया C, ये देखिए एक डबल बॉन्ड हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, या तो फिर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो, ये इसका एक स्ट्रक्चर या डबल बॉन्ड हो गया इसका बेटा, एक डबल बनाते हुए एक स्ट्रक्चर बन गया, फिर या तो फिर इसका और स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, और क्या हो सकता है, ये देखिए सी डबल बॉन्ड सी, अब इस एक कार्बन को आप इस सेकेंड वाले से अटैच कर दो, देखिए 4 कार्बन के साथ ये भी इसका जो है एक आइसोमेरिज्म बन गया, या तो फिर अब इसमें आप क्या साइक्लिक आइसोमेरिज्म में आप देखिए इस तरीके से बना दो, ये सभी चारों कॉर्नर पे जो है एक एक कार्बन है, एक साइकिल बन गया, या तो फिर इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, ये देखिए ये कार्बन 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 कार्बन, ये देखिए ये जो है C4H8, हमारे पास एक क्या आया DU1 आया और 1 DU में क्या, जब एक DU आया तो क्या आया, 1 डबल बॉन्ड या फिर 1 साइक्लिक होगा, ठीक है। ये देखिए हमने क्या करा, एक डबल बॉन्ड बनाया और साइक्लिक बनाया, इसका क्या मतलब, देखिए C4H8 के कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5, इसमें कितने स्ट्रक्चर बने बेटा, इसमें स्ट्रक्चर बने 5 स्ट्रक्चर बने, बट आइसोमेरिज्म कितने होंगे इसके, आइसोमर ये इसके कितने आइसोमर्स गए, आइसोमर्स कितने हो गए इसके, 6 आइसोमर्स ये बनाएगा, 6 आइसोमर्स, ये 6 आइसोमर्स बनाएगा, 5 स्ट्रक्चर के साथ 6 आइसोमर्स बनाएगा,
ठीक है। अभी हम DU पढ़ रहे हैं, DU के बाद जब हम आइसोमेरिज्म में आएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम, इफ DU प्लस ऑक्सीजन, अगर DU के साथ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कोई भी एटम हो उसमें DU के साथ ऑक्सीजन हो तो क्या होगा। इफ DU जीरो, अगर कोई भी एटम हो, कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड में कंपाउंड का DU जीरो आ जाए और उसके साथ साथ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसमें तो क्या होगा। अगर DU जीरो आए और उसका ऑक्सीजन DU जीरो के साथ ऑक्सीजन हो, देन एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल और ईथर फॉर्म करेगा। DU जीरो आए और उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो तो एल्कोहल या ईथर फॉर्म करेगा। और DU क्या है, वन आ जाए और उसके साथ ऑक्सीजन हो तो वो एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करेगा। DU वन हो और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो तो वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन फॉर्म करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए C3H8O का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका जब हम आप DU निकालोगे, जब इसका डिग्री आप अनसेचुरेशन निकालोगे तो यह आ जाएगा 2 × 3 − 8 + 2/2, ये तो आएगा। जब इसका DU आप निकालोगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। इसके साथ एक ऑक्सीजन क्या है, अटैच्ड है। इसके साथ क्या है, एक ऑक्सीजन अटैच है। जब एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, जब पहले तो बात ये आई बेटा कि ये देखिए इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आया, 0 आया। जैसे ही डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 आया तो इसमें एक बात क्लियर हो गया कि इसमें सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे, सिंगल बॉन्डेड एटम ही होंगे, डबल बॉन्डेड एटम नहीं होगा या फिर साइक्लिक का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। C3H8 यही हमारा एग्जांपल है, C3H8O हमारा एग्जांपल है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनाइए। 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, इसके साथ एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हमने ऐड किया और H लगा दिया। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर CH CCC, मतलब ये क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया, एल्कोहल बना दिया, ठीक है बेटा। अब ये क्या ईथर भी बना सकता है, ईथर कैसे बनेगा, C यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, यहाँ पे C कर दीजिए, देखिए ये क्या हो गया, ईथर का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं C, इसके बाद यहाँ पे आप OH जोड़ दो, OH अटैच कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसके आइसोमर्स बन रहे हैं, इसके C3H8O के आइसोमर्स हैं। और ये क्या क्या बना रहा है, एल्कोहल और ईथर में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है कि इसका DU क्या है, 0 आया हुआ है, DU 0 आया, जब DU 0 आया तो इसका जो है सबके सब सिंगल बॉन्ड हो गए, सिंगल बॉन्डेड एटम है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने एक एग्जांपल के थ्रू ले लिया C3H8 का, ये आइसोमर्स इसके बने हुए हैं, ठीक। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जब DU1 आएगा तो वहाँ पे उसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच्ड हो तो वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल में नहीं ले रहे हैं, इसको हम आपको आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे अगली क्लास में, जब आइसोमेरिज्म होगा तो यहाँ पे हम इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। अब अगला रूल से देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है DU का, इफ DU प्लस हैलोजन, जब DU के साथ कोई कोई हैलोजन हो, जैसे कोई कंपाउंड है, यहाँ पर ये देखिए ये कोई कंपाउंड है C3H7Br, यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है ना, तो ही बात बोल रहा है। इफ DU प्लस हैलोजन, DU के साथ कोई एक हैलोजन हो तो क्या होगा, इस हैलोजन को हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे, हैलोजन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, हैलोजन से रिप्लेस कर देंगे, इस हैलोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जहाँ पे यहाँ पे Br है, ब्रोमीन जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो ये क्या बनाएगा, C3H8 बना लेगा। जैसे ही C3H8 बना, अब हम इसका DU निकालेंगे, जब DU निकाल रहे हैं तो DU इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 − 8 + 2/2। ये देखिए इसका DU कितना आया, DU निकलेगा इसका DU आएगा 0। जब जैसे इसका DU 0 आया, इसका मतलब इसमें सब के सब क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड एटम है। जब सिंगल बॉन्डेड एटम हो गए तो इसका आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, सिंगल बॉन्डेड एटम का स्ट्रक्चर C3H8
एच एट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अब जब इसका आप सी थ्री एच सेवन बी आर का स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बी आर ये स्ट्रक्चर हो गया, या फिर सी 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 यहाँ पे एक बी आर ऐड कर दो, यहाँ पे बी आर ऐड कर दो, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप ये डी यू बहुत ही सिंपली निकाल सकते हो और ये देख सकते हो कि मतलब कोई भी कंपाउंड है तो उसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन सकता है, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये स्ट्रक्चर देखकर कितने डबल बॉन्ड है, कितना साइक्लिक बनाएगा, आइसोमर्स क्या क्या हैं इसके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज के क्लास में इतना ही, इस डी यू को ये डी यू कम्प्लीट हुआ। ठीक है, अगर बेटा इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाए हो और ये सारी चीज़ें आपको डी यू अच्छे से समझ में आए तो इसे जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज़ करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है।